हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसटी एकेडमी। इस वीडियो में हम देखेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें चैप्टर वन का आपका देखा होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर पसंद होगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो लेट अस वॉच पार्ट टू द रशियन रेवोल्यूशन। In one of the least industrialized European states, this situation was reversed. So, Europe में क्या हुआ था? काफी industrialization हो गया था, जैसे France हो गया, Germany हो गया, Austria and Italy. So many countries they were industrialized. जैसे जब industrialization बन गया, what is the meaning of industrialization? So we have discussed already in the part one, part one video में हमने देखा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन ये होता है इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स व्हिच वी आर यूजिंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय थ्रू मशीनरीज, स्किलफुल लेबरर्स एंड कैपिटल, रॉ मटेरियल्स आल्सो। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी कुछ बन गया था। उसके बाद क्या हो गया? सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। जब रूसिया में सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट को गिरा दिया गया थ्रू अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। जब फर्स्ट पार्ट में हमने देखा है उसमें सोशलिस्ट का जो व्यू था, जैसे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, तीन तरीके से लोग थे। एक तो लिबरलिस्ट थे, रेडिकल्स थे और कंसर्वेटिज्म थे। तो उनका अलग अलग विचार था, उसमें हमने डिस्कशन में देखा है। सो सोशलिस्ट क्या होता है? एक इंडिविजुअल कोऑपरेटिव कम्युनिटी नहीं बनाना चाहते थे। सोशलिज्म मीन्स दैट द गवर्नमेंट टू एनकरेज द कोऑपरेटिव कम्युनिटी को एनकरेज किया गया था और कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस को हटा दिया गया, तो उसको कहते हैं हम लोग सोशलिस्ट। रशिया ने सोशलिस्ट गवर्नमेंट को गिरा दिया और थ्रू अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। उसके बाद रशिया में सोशलिस्ट गवर्नमेंट को भी गिरा दिया, फरवरी 19 में राजा का जो सिस्टम था उसको भी हटा दिया, द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917। तो इस इवेंट को कहते हैं हम लोग रशियन रेवोल्यूशन। सो व्हाट इज द रशियन रेवोल्यूशन? फॉल ऑफ द मोनार्की इन फरवरी 1917। नाउ द क्वेश्चन इज अराइजिंग दैट हाउ डिड दिस कम अबाउट? तो ये कैसे हुआ था, क्या रीजन है, एंड व्हाट वर द सोशल पॉलिटिकल conditions in Russia when the revolution occurred? और रूसिया में social political condition में revolution कैसे बन गई? तो इसका answer जवाब हम लोग देखेंगे next part में। The Russian Empire in 1914. See this man, he was Tsar Nicholas II. In 1914, Tsar Nicholas ruled Russia and its empire. तो 1940 में ज़ार निकोलस II रूसिया का जो एम्पायर बन गया था, बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, लेटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारस। सो इट मींस दैट द रशिया वाज सो बिग टेरिटरी, तो बहुत बड़ा टेरिटरी था रशिया का जो मानते थे। अब जो प्रेजेंट इसको कहते हैं अलग अलग नाम से, जैसे फिनलैंड हो गया, लेटविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, एस्टोनिया हो गया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारस। सो लेट अस डिस्कस द सेकंड पार्ट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। सो वर्कर्स वर डिवाइडेड सोशल ग्रुप्स, वर्कर्स लोग थे सोशल ग्रुप्स के हिसाब से बांटे गए थे। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस फ्रॉम व्हिच दे केम, द अदर हैड सेटल्ड इन सिटीज परमानेंटली। तो यहाँ के जो वर्कर्स थे, कुछ लोग गांव से आते थे और कुछ लोग है परमानेंटली सेटल हो गए थे। सो वर्कर्स को डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू दियर स्किल्स। ये मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉल द मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स। के जो मेटल वर्कर्स थे सेंट पीटर्सबर्ग में रहते थे और देवर कंसिडर्ड देमसेल्व्स एरिस्टोक्रेट अमंग वर्कर्स। तो यहाँ पे जो मेटल वर्कर काम करने वाले थे, अपने आप बड़े बड़े समझते थे अपने आप और अमीर समझते थे,
और अपने आप जो सबसे अलग दिखते थे ये लोग। देयर ऑक्यूपेशंस डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल्स। मेटल वर्कर्स का काम था और बहुत बड़ा डिमांड थी इनकी, और मेटल वर्कर्स का जो ट्रेनिंग भी दिया गया इसमें, और स्किलफुल एफिशिएंट लेबरर्स बनाना चाहते थे। सबसे ज़्यादा जो स्किलफुल एफिशिएंट लेबरर्स थे ओनली देवर मेटल वर्कर्स, जो इनको ट्रेनिंग भी दिया गया। वेमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। जब 1914 में जो वेमेन में 31% थे जो फैक्ट्री भी काम करने वाली थी, बट कंपैरिजन ऑफ वेजेस मेन से बहुत कम थे इनका, बिटवीन हाफ एंड थ्री क्वार्टर्स ऑफ द मैंस वेज। अगर मेन की जो वेजेस है 1,000 रुपये देंगे तो वेमेन का जो वेजेस थी वहाँ पे 500 से लेके 600 तक मिलती थी इनको। डिविशन अमंग द वर्कर्स शोड्स देमसेल्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। वर्कर्स के डिविशन्स अकॉर्डिंग टू दियर मैनर्स और इनके ड्रेसेस के हिसाब से करते थे, जैसे कि इनका कपड़ा भी हो और मैनर्स भी हो उसके हिसाब से डिविशन हुआ था। कुछ वर्कर्स एक साथ मिलकर एसोसिएशन बनाए थे ताकि जिनके पास बिल्कुल नौकरी नहीं है और जैसे बेरोजगारी है और फिनेंशियली बहुत मतलब पुअर थे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग एक एसोसिएशन बनाए थे। मतलब वर्कर्स एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए वर्कर्स के बीच में जो यूनिटी बनी थी और एक दूसरे को सपोर्ट भी देते थे। डिस्पाइट डिविशंस वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल ऑफ वर्क कंडीशंस। अगर ओनर्स ने काम से निकाल दिया, कभी अगर वेजेस कम दिया, तो सारे इकट्ठे होके स्ट्राइक करते थे। द स्ट्राइक्स टुक प्लेस फ्रीक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग 1896 टू 97, इन द मेटल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग 1902। सो ड्यूरिंग 1896 एंड 97 में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की काफी स्ट्राइक्स होती थी, जैसे कि और 1902 में भी मेटल इंडस्ट्रीज की भी होती थी। इन द कंट्री साइड द पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। सो गांव में भी मोस्टली जो किसान लोग है काफी काम किया करते थे वो लोग। बट द नोबिलिटी द क्राउन द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज। काम तो किसान के लोग काम करते थे, जो जैसे गांव लोग काम करते थे, बट जमीन किसके पास थी, जो जमीन राजा और अमीर लोगों के पास। लाइक वर्कर्स पीसेंट्स टू वर डिवाइडेड। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस। तो अकॉर्डिंग टू द वर्कर्स को भी पीसेंट्स को भी उसमें बांटा गया अकॉर्डिंग टू दियर रिलीजियस के हिसाब से। बट एक्सेप्शनली कभी कभी क्या होता था, वर्कर्स में भी कुछ लोग हाँ वो नोबिलिटी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ना उनको रेस्पेक्ट देते थे। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजिशंस थ्रू देयर सर्विसेस टू द सार। तो नोबल्स दे गॉट द रेस्पेक्ट ओनली फ्रॉम द सार। जो राजा था तो राजा के थ्रू जो के काम किया करते थे जो राजा के लिए। किसान लोगों ने पसंद नहीं किया था नोबल को, बट राजा ने काफी सपोर्ट किया था और राजा की वजह से इनको पावर मिलता था। तो नोबल को जो पावर मिलता था सिर्फ जार की वजह से ही मिलती थी पावर, अदरवाइज दे वर नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी। अपने आप कोई भी पॉपुलर नहीं थे, सिर्फ जार की वजह से वो पॉपुलर हो गए थे। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटेनी पीसेंट्स रेस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर दम। बट इसमें क्या दिया है, जैसे फ्रांस में सबसे ज्यादा जो सपोर्ट पीसेंट से ही मिलता था नोबल्स को, और नोबल्स को ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे, बट रूसिया में ऐसा नहीं है, नोबल को बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करते थे वो लोग, जस्ट ऑपोजिट है। इन रूसिया पीसेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू दम। रूसिया में जो पीसेंट चाहते थे कि वो नोबल से जमीन मिल जाए वापस, तो इसीलिए वो नफरत करते थे और नोबल से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, ना रेस्पेक्ट देते थे। After that, what happened frequently, they refused to pay rent also and even murder landlords. तो अक्सर क्या करते थे, कभी कभी वो nobles को rent pay करने के लिए उन्होंने मना करते थे, और उसके साथ साथ कभी कभार उनको और मारना भी शुरू कर दिया landlords को। So in 1902, this occurred on the large scale in the South Russia. And in 1905, such incidents took place all over Russia. In 1902,
साउथ रूसिया में काफी इवेंट हो चुका है, और जैसे कि 1905 में भी काफी इंसिडेंट हो गया ओवरऑल रशिया में, बिकॉज ये लोग पसंद नहीं करते थे, नोबल को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते थे पीसेंट, क्योंकि वो चाहते थे कि जमीन अपना मिल जाए, और जो मार पीटना शुरू करते थे और रेंट देने के लिए मना करते थे, मतलब काफी कुछ नफरत किया था उन्होंने नोबल से। रशियन पीसेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीसेंट्स इन अनदर वे। तो यहाँ के जो पीसेंट्स है सबसे अलग दिखते थे, बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज के जो किसान थे ये सबसे अलग दिखते थे रूशियन से। सो एट लास्ट दे पूल देयर लैंड टूगेदर पीरियडिकली एंड द कम्यून डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। सो एट लास्ट क्या हुआ था, पूरी सोसाइटी का जो जमीन है अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से बांटे गए थे, और जिनको जमीन ज्यादा चाहिए या जिनकी फैमिली अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल फैमिलीज, तो जिनको ज्यादा जरूरत नहीं है, तो ऐसे अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स जमीन को बांटे गए थे। सो वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोशलिज्म इन रशिया। ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में जाके, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।